लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी के लिए सबसे ज्यादा लोकसभा सीटों वाले उत्तर प्रदेश से बुरी खबर आई है। यहां बीजेपी 80 सीटों में से आधी सीटों पर भी जीत दर्ज नहीं कर पाई। यहां तक कि उत्तर प्रदेश से कई मंत्री भी अपनी सीट नहीं बचा सके। इसके अलावा सियासी मैदान में उतरे 11 केंद्रीय मंत्रियों में से 7 मंत्रियों को हार का सामना करना पड़ा, जबकि योगी सरकार के 4 मंत्रियों में से 2 मंत्री ही चुनाव में जीत हासिल कर सके। इस वीडियो में हम जानेंगे कि बीजेपी के कौन कौन से केंद्रीय मंत्रियों को इस बार चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप आज तक AI के YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। लोकसभा चुनाव में इस बार बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। 80 लोकसभा सीटों वाले उत्तर प्रदेश में बीजेपी सिर्फ 33 सीटों पर ही जीत हासिल कर पाई। यहां तक कि अपने स्ट्रांग होल्ड वाले अयोध्या फैजाबाद सीट से भी बीजेपी को करारी हार का सामना करना पड़ा है। उत्तर प्रदेश में जिन केंद्रीय मंत्रियों को हार का सामना करना पड़ा, उसमें अमेठी से केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, चंदौली से महेंद्र नाथ पांडे, जालौन से भानु प्रताप सिंह वर्मा, मुजफ्फरनगर से संजीव बालियान, मोहनलालगंज से कौशल किशोर और फतेहपुर से साध्वी निरंजन ज्योति जैसे बड़े नेता शामिल हैं। इसके अलावा योगी सरकार के मंत्रियों में जयवीर सिंह को मैनपुरी और रायबरेली से दिनेश प्रताप सिंह को हार का सामना करना पड़ा। आंकड़ों की बात करें तो अमेठी से केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, कांग्रेस के किशोरी लाल शर्मा से लगभग 1,67,196 वोटों के अंतर से हार गईं। वहीं चंदौली लोकसभा सीट से केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडे, समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार बीरेंद्र सिंह से करीब 22,000 वोटों के अंतर से हार गए। जालौन लोकसभा सीट से केंद्रीय मंत्री भानु प्रताप सिंह वर्मा को समाजवादी पार्टी के नारायण दास अहिरवार से करीब 54,000 वोटों के अंतर से हार का सामना करना पड़ा, तो मुजफ्फरनगर से बीजेपी के दिग्गज नेता और केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान को समाजवादी पार्टी के हरेंद्र सिंह मलिक ने 25,000 वोटों से शिकस्त दे डाली। वहीं मोहनलालगंज से केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर समाजवादी पार्टी के आर.के. चौधरी से करीब 70,000 वोटों के अंतर से हार गए। और तो और बीजेपी की फायर ब्रांड नेता और फतेहपुर से निवर्तमान सांसद साध्वी निरंजन ज्योति को 47,000 वोटों के डिफरेंस से हार का सामना करना पड़ा। बीजेपी ने इस बार के चुनाव में अपने कई विधायकों को भी मैदान में उतारा था। इस लिस्ट में अपना दल से विधायक रिंकी कोल को रॉबर्ट्सगंज से हार का सामना करना पड़ा। इसके अलावा विधान परिषद सदस्य साकेत मिश्र श्रावस्ती से और राज्यसभा सदस्य नीरज शेखर को भी हार का सामना करना पड़ा। देश के दूसरे हिस्सों में भी कई मौजूदा केंद्रीय मंत्रियों को हार का सामना करना पड़ा है। इसमें झारखंड की खूंटी लोकसभा सीट से केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, केरल की तिरुवनंतपुरम लोकसभा सीट से राजीव चंद्रशेखर, बिहार की आरा लोकसभा सीट से केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह को भी हार का सामना करना पड़ा है। हालांकि जानकारों का ये भी मानना है कि यूपी की कुछ सीटों पर बीजेपी का टिकट बदलने का प्रयोग सफल रहा और इसी वजह से यहां के बीजेपी उम्मीदवारों ने अच्छे मार्जिन से जीत दर्ज की। इसमें बहराइच, बरेली, देवरिया, कैसरगंज, मेरठ, फूलपुर और पीलीभीत की लोकसभा सीटें शामिल हैं। बहराइच से आनंद कुमार गौड़, बरेली से छत्रपाल सिंह गंगवार, देवरिया से शशांक मणि, कैसरगंज से करण भूषण सिंह, मेरठ से अरुण गोविल, फूलपुर से प्रवीण पटेल और पीलीभीत से जितिन प्रसाद ने जीत दर्ज की है। आपको ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसी ही स्टोरीज और अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब करें आज तक AI।